वाइट टाइगर्स की बकायदा कोई नस्ल नहीं बल्कि ब्राउन टाइगर से ही पैदा हुए और फिर व्हाइट नर और मादा से सफेद बच्चे पैदा होने लगे। इसी वजह से इनको नायाब समझा जाता है। बेदिया रोड पर वाके डीएम फार्म हाउस में पहली बार व्हाइट टाइगर के यहाँ 3 बच्चे पैदा हुए हैं, 2 मादा और 1 नर है। इनकी रिकॉर्डिंग के लिए जैसे ही माँ से अलग किया गया एक बच्चे ने चीखना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ इनकी माँ भी पिंजरे के अंदर गुस्से और बेचैनी का इजहार करती रही। तकरीबन 1 माह के हो गए हैं और अभी अपनी माँ के साथ ही रहते हैं, 24 घंटे अपनी माँ के साथ रहते हैं और इससे ये वो खुद ही इनसे फीड वगैरह करते हैं, तो जो कोई जरूरत हो तो तब हम ऐसे कोई चीज देते हैं, कोई मेडिसिन वगैरह। नन्हे मेहमानों को सर्दी से बचाने के लिए फर्श पर खुश चारा डाला गया है ताकि इसके ऊपर आराम कर सकें। थोड़ी देर के बाद जैसे ही इनकी माँ का पिंजरा खोला गया वो फौरन अपने बच्चों के पास आ गई और इनसे प्यार करने लगी। पंजाब के मुख्तलिफ चिड़ियाघरों में इस वक्त कई वाइल्ड टाइगर मौजूद हैं। ताहम आज तक इनके किसी जोड़े के यहाँ बच्चों की पैदाइश नहीं हो सकी। प्राइवेट सेक्टर में ये पहला फार्म हाउस है जहाँ इन बच्चों की पैदाइश मुमकिन हुई है। टाइगर के एक बच्चे की कीमत 6 से 7 लाख रुपए तक हो सकती है। वाइल्ड टाइगर की ब्रीडिंग के कामयाब तजुर्बे के बाद इस बात की तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान में इस नायाब नस्ल के जानवरों की तादाद में इजाफा होगा। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।